हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो 2019 में होने वाला है उसके बारे में। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, एप्लीकेशन डेट जो कि स्टार्ट हो गया है, इसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस WBCS एग्जामिनेशन 2019 पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल जो कि रिक्रूटमेंट है जॉब इन जो कि है पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल। लोकेशन रहेगा इसका वेस्ट बंगाल मल्टीपल प्लाई सिटीज़ में। क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए बैचलर डिग्री और ग्रेजुएशन पास। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस जो कि एग्जामिनेशन जो होने वाला है 2018 में, क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे और डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एबिलिटी टू रीड राइट एंड स्पीक इन बंगाली, नॉट रिक्वायर्ड फॉर द दोस हु कैंडिडेट हुज मदर टंग इज नेपाली। उसके बाद जो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 21 ईयर्स जो कि मिनिमम एज रहेगा और 36 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, इसके बाद ग्रुप ए के लिए जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। उसके बाद है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रिवेन्यू इन इंटीग्रेटेड वेस्ट बंगाल रिवेन्यू सर्विस, वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस, वेस्ट बंगाल लेबर सर्विस, वेस्ट बंगाल फूड एंड सप्लाई सर्विस, वेस्ट बंगाल एम्प्लॉयमेंट सर्विस एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर टेक्निकल। ग्रुप बी में जो है वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस और ग्रुप सी में जो है सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट करेक्शनल होम, डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल करेक्शन होम, जॉइंट ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर डिप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फेयर बिजनेस प्रैक्टिस, वेस्ट बंगाल जूनियर सोशल वेलफेयर सर्विस, वेस्ट बंगाल सबॉर्डिनेट लैंड रिवेन्यू सर्विस ग्रेड वन, असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर जॉइंट रजिस्टर वेस्ट बंगाल स्टेट कंज्यूमर डिप्यूटेड जुडिशियल कॉमर्स कमीशन अंडर द कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, असिस्टेंट कैनल रिवेन्यू ऑफिसर इग्रीगेशन चीफ कंट्रोल ऑफ करेक्शनल सर्विस, और ग्रुप डी में है यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोशलिटीज पंचायत डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ऑफिस ऑफिसर अंडर द पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रिहैबिलिटेशन ऑफिसर अंडर द रिफ्यूजी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट। इनिशियली ऑल अपॉइंटमेंट विल बी मेड ऑन द टेम्पोरारी बेसिक रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट फॉर द स्टेट अदर देन वेस्ट बंगाल शैल बी ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कि वेस्ट बंगाल से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे SC ST OBC जो है वो लोग तो यहाँ पे को उन लोगों के लिए क्वालिफाई होगा। और जो लोग अदर स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग SC OBC और जो कि ST है अदर स्टेट में, वो लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए तो उन लोगों को जनरल माना जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद नोट जो दिया हुआ है यहाँ पे फॉर वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस एंड कैंडिडेट शुड पर्चेस द मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट एंड गिविंग द ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट फॉर्म, फॉर मोर डिटेल प्लीज सी द ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। अपर एज जो कि यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा रिलैक्सेबल होगा 5 ईयर्स के SC ST एंड 3 ईयर्स जो कि OBC कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट सिलेक्शन जो कि होगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो है प्रीलिमिनरी एक एग्जाम होगा, उसके बाद मेन एग्जाम, उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट यहाँ पे होगा। एग्जाम जो कि एग्जाम हॉल जो कि होगा या एग्जाम सेंटर जो होगा कोलकाता में, कोलकाता नॉर्थ एंड साउथ, बारुईपुर, डायमंड हार्बर, बैरकपुर, बारासात, हावड़ा, बर्धमान, आसनसोल, मेदिनीपुर, तमलुक, बाँकुड़ा, बेहरमपुर, मालदा, जलपाइगुड़ी, आलिपुरद्वार, कोचबिहार, शिलीगुड़ी, कालिम्पोंग एंड दार्जिलिंग। द मेन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन कोलकाता। तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट
PSCWBApplication.in। तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों इसका जो सिलेबस है उसका भी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों इसके बाद है एग्जामिनेशन फीस। तो दोस्तों यहाँ पे 210 रुपीज़ आपको एग्जामिनेशन फीस देना होगा। ए कैंडिडेट मस्ट पे 210 रुपीज़ एज एग्जामिनेशन फीस। फीस कैन बी पेड थ्रू द ऑनलाइन और ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और कैन बी पेड थ्रू बैंक बाय मीन्स ऑफ फीस पेमेंट चालान। फ्री चालान कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल। लास्ट डेट है इसका 26 नवंबर 2018 और 6 नवंबर 2018 से इसका जो ऑनलाइन के एप्लीकेशन है वो शुरू हो गया है। दोस्तों जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसका जो ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इसके साथ साथ इसका जो एप्लीकेशन के लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग डायरेक्टली उस लिंक से जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैं बात करूँगा सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस क्या उसके बारे में। तो दोस्तों देखते रहे। तो दोस्तों इसका सिलेबस जो है यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में यहाँ पे आपको इंग्लिश में रहेगा 25 मार्क्स, जनरल साइंस के लिए रहेगा 25 मार्क्स एंड करेंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए रहेगा यहाँ पे 25 मार्क्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए रहेगा यहाँ पे 25 मार्क्स, जियोग्राफी के लिए यहाँ पे रहेगा 25 मार्क्स, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी के लिए 25 मार्क्स एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए 25, जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए 25 मार्क्स आपको रहेगा। तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे आपको 200 मार्क्स के जो कि यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आपको कंपलसरी पेपर जो यहाँ पे रहेगा बंगाली हिंदी, पेपर वन में रहेगा बंगाली हिंदी उर्दू नेपाली सांताली, लेटर राइटिंग विद इन 150 वर्ड्स, ड्राफ्टिंग एंड रिपोर्टिंग रिपोर्ट विद 200 वर्ड्स। उसके बाद पेपर टू में रहेगा इंग्लिश लेटर राइटिंग 150 वर्ड्स। थर्ड पेपर में रहेगा आपको यहाँ पे जनरल स्टडी इंडियन हिस्ट्री एंड स्पेशल इंफ्लुएंस नेशनल मूवमेंट एंड जियोग्राफी ऑन इंडिया। उसके बाद पेपर फोर में रहेगा आपका साइंस एंड साइंसिफिक टेक्नोलॉजी एडवर्टाइजमेंट इन्वायरमेंट एंड जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स। पेपर फाइव में रहेगा आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग रोल एंड फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पेपर फोर में रहेगा एरिथमेटिक एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। तो दोस्तों यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑप्शनल जो सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा बंगाली हिंदी। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कोड जो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जो 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 यहाँ पे सब्जेक्ट है उसका कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये था आपका जो कि जो टोटल मार्क्स होगा। तो टोटल एग्ज़ाम के जो मार्क्स होगा ग्रुप ए और बी जो कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे 200 मार्क्स होगा। उसके बाद आपका जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम होगा उसके लिए यहाँ पे 150 और ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो कि यहाँ पे होगा 100। तो दोस्तों यहाँ पे उसके बाद जो कंपलसरी पेपर यहाँ पे रहेगा बंगाली हिंदी उर्दू नेपाली सांताली लेटर राइटिंग 150 जो कि ग्रुप ए के लिए 200, ग्रुप बी के लिए 200, ग्रुप सी के लिए 200 एंड ग्रुप डी के लिए 200। तो इसके बाद जो है यहाँ पे टोटल मार्क्स जो यहाँ पे आपको होगा 1800 फॉर ग्रुप बी, 1350 फॉर ग्रुप सी और 1300 फॉर ग्रुप डी। और पर्सनलिटी टेस्ट के लिए आपको रहेगा यहाँ पे ग्रुप ए के लिए 200 मार्क्स एंड ग्रुप बी के लिए 200, सी के लिए 150 एंड ग्रुप डी के लिए 100। तो दोस्तों ये था आपका जो ये था आपका पूरा सिलेबस। इसके साथ साथ इसका जो ऑल सिलेबस है मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग यहां से जाके चेक कर सकते। इसके साथ साथ यहां पे जो डिटेल दिया हुआ है आप लोग इससे बहुत जो कि जो 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 क्वेश्चन आने वाला है यहां से आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें और देखते रहे मेरे लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।